रोत वाले पैसा वन रे मझे महे पखी चोग वटा वने आ। तो जी सुबह ही सुबह रब की रहमत और इतनी गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी बारिश ने मतलब कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी इससे, जो मतलब हीट स्ट्रोक चला हुआ है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी है। अल्लाह ताला ये बारिश रहमत की ही रहे। बहुत मतलब तेज़ भी है और मोटी मोटी भी है आवाज़, तो सबको आ ही रही होगी। बारिश गिरती हुई भी महसूस हो रही है और बादल बहुत घने हैं। मैंने अभी निकलना था अपने काम पर सुबह सुबह, अब बारिश हो गई, अब निकले तो निकले कैसे, और जाना भी बड़ी दूर है। मदी बन रही है इधर के एक्शन से तवा, और ये की पार्टी पर से गंदी है क्योंकि सुबह ही है बारिश ये आ गई है। अब हम लगे हैं जी, इधर चाय भी उबल गई जैसे मैं बातों में लगी हुई थी। ठीक है, तो जी रोटी इनसे मजाक की बची हुई थी, मैंने कहा चले वो तल देते हैं, वो काम आ जाएंगे। अब वो तल रही हूँ और जो इंसाना चाय तो हमारी बन चुकी है, मतलब यही खाते हैं ठीक है ना, क्योंकि बारिश ने किया हुआ पूरा हाल भी, घर की सफाइयाँ वगैरह सभी रहती हैं, तो उसका काम बाकी है और खुद भी जा चुके हैं अपने काम पर। तो जी दांत में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है दांत में मेरी, तो मैं लग सकता पायल पकने के लिए मेरे ना मौसम अच्छा रहता हूँ ना, इतना इतनी गर्मी है इतना ज़्यादा, बस सुबह बारिश हुई है जैसे तब मैं मेरे को पता है कि बस आधा घंटा पौना घंटा बारिश हुई है, लेकिन अच्छी खासी बारिश होगी आधा घंटा भी, लेकिन फिर मौसम में ना तब्दीली ला दी थोड़ी सी, लेकिन जैसे धूप निकलती है उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने चले पाए जमसे आज पाए बहुत बॉम आज थोड़े से ना वो बना लेते हैं, तो अब प्याज काट रही हूँ, प्याज काट कर वो भी डाल लूँ उसमें, वो मैंने गलने के लिए रखे, मैंने कहा जब बॉम डालूँगी ना उसको ये सारा सामान बीच में ऐड कर, क्योंकि बॉम जल्दी कर जाती है पाए असल आपको पता है कि थोड़ी देर लेते हैं बॉम में, तो ज़्यादा से 20 मिनट लगते हैं बनने में, लेकिन पाए तो वो खोना पड़ता उसको लाजमी चाहिए तो उस पर प्रेशर, तो मेरा प्रेशर लगा के उसको पाए में मैंने रख दिया। वो सो गया अम्मा जी, मैंने कहा पहले पाए वगैरह रख दूं बनने के लिए, बाद में इंसाना फिर घर का काम काज है उसको आगे लगाते हैं थोड़ा सा। कुछ अंबर आई थी वो काम करके गई है, इस वक्त मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर दे रही है, और उधर मैंने बॉम धोकर उसमें प्याज भी डाल दिया है, सही है ना, और उधर प्रेशर कुकर लगाया मैंने वहाँ पर रखकर। तो मौसम आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, अल्लाह करे फिर बारिश आ जाए। तो जी खांसी भी हुई है मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो ये हमारी मिर्च मैं इसमें बॉम में डाल रही हूँ, तो पहले देखती हूँ शायद गल गए हल्दी, और ये हमारा नमक पाए में मैं नमक डालना भूल गई है, मेरी भी काम चेक करें मैं भी वो काम करूँ जैसे मैं अचार डालने लगी हूँ इसमें कर रही हूँ ना, फिर वो ना गला कर इसमें निकाल लेती हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर है छोटा, फिर बॉम उसमें कर जाएगी और खुला सालन भी बन जाएगा, शोर भी बन जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया मैंने, और प्याज भी इसी में ऐड कर दिया। तो ये मौसम भी देखने बारे का बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, हो सकता है कि बारिश आए अल्लाह मेरे तो आ जाए, कपड़े धोने वाले मैंने सही से कर दिए हुए हैं, और देख लेती हूँ कि गोश्त वाला गला भी एक नहीं गला, और ये फ्री यहाँ पर रखती है इसे भी देखा तो अनमोड चेक कर लेता ना, बहुत गलत खड़ा की है उन्होंने, चले मैं ना खाऊंगी बाकी घर वाले तो है ना वो तो खाएंगे ना। लेते इसे खोल कर
कि इसमें वो गला भी है गोश्त के नहीं गला। एक ऐसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, दूसरे ऐसे प्रेशर खोल, चले पहले प्रेशर खोल। तो मामू के पास जाओ, उन्हें कहो कि मम्मा कह रही है कि दूध दे दे, ठीक है। तो ये चेक कर लेती हूँ मैं गले की नहीं गले की। अच्छा जा रही अपने मामू जी के पास दूध लेने के लिए, जल्दी से ले आओ, ठीक है, गर्म कर। तो ये पाया हमारे गल गया, मैं लगी मैं इसमें बौंग गलाने, तो मैंने कहा चले बौंग गल जाएगी। अब एक तो ये गलाना बहुत मुश्किल हो जाए और मेरे लिए, क्योंकि गर्म है ना इसलिए। तो ये बौंग भी तो हमारी गल चुकी है, पहले मैंने चेक किया नहीं गल चुकी, अब गल चुकी है। तो पाया मसाला मैंने नहीं डाला, मैंने कहा वो नहीं डाला क्योंकि ये मसाले ठीक है, हाँ काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च ये मैं डाल दी बुनाई के टाइम। गरम मसाला भी नहीं डाल रही क्योंकि पाए पहले बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए घी का पैकेट मैंने मंगवा लिया वो दुकान से। मामू ले आए अम्मा की जी जी। तो ये चाय बनाई थी, फिर मैंने भी पी, भाई ने भी पी। इसे पलट गई हूँ मैं इसमें। अब जो है ना इसकी बुनाई लगाते हैं अच्छे से, और भाई ने भी दुकान बंद कर दी है, दिन का टाइम है दोपहर का, ज़्यादा खाना खाना है। रोटी तंदूर से मंगवा लेती हूँ, रोटी की हिम्मत नहीं है। कल भी मुझे बुखार था, बी पी हाई था, और भी बुखार भी है, बी पी हाई भी है। घी हाँ जी, क्योंकि इसमें घी कम ही डालूंगी, इसमें नलियाँ वगैरह है तो उनकी जो सी ना मीठ वगैरह निकल जाती है ना, उससे घी जो सा ना तो वह खुद ही बन जाता है। मगर फिर भी एक पाव घी तो इसमें डाली जाएगा क्योंकि पाए घी हमेशा ज़्यादा लेते हैं। तो कैशन इसे वहाँ रखो किसी चीज़ में, मैं आके रखे डब्बे में निकालती हूँ, ठीक है। तो जी अपनी मर्जी है, टमाटर डाल सकते हैं डाल दें, नहीं डालने ना डालें। दही भी अपनी मर्जी है, डालना चाहे तो डाल दें, ना डालना चाहे तो ना डाल। तो लोगों को बंद आना वाले सलाम कर। हाँ जी पर तबीयत इस तरह ही है, बस की करिए, घर बंद है ना इस वास्ते भाई, अगर दूर बंद है तो फिर वो पहले बड़े मुझे तबीयत का पूछेगा, कब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना मेरी इसलिए। तो भाई कह रहे मैं रोटी आगे से लेके दे देता हूँ तंदूर बंद, मैंने कहा अच्छा है। तो अपनी मर्जी है, दही डालना चाहे तो डाल लें, मैंने लेकिन दही डाला है, मैंने दिखाया नहीं है, भूल गई। क्योंकि रोटी भी हमारी आ चुकी है, सालन भी हमारा बनकर तैयार है, और अभी घी जो इंसान ऊपर नहीं आया। अब वैसे लग रहा है कि शोरबा कच्चा है, शोरबा कच्चा नहीं है। मैंने लग रहे हैं हाँ जी, मैंने मसाला जो इंसान तेज ही डाला है, लेकिन मुझे ना काली मिर्च थोड़ी कम लग रही है हल्की सी डाल दो, ताकि इसको गर्म करेंगे बाद में अच्छे से जोश आ जाएगा। अब ये कि काली मिर्च थोड़ी सी डाल दो, इसे बहुत देर हो इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ, तो फिर ऐसा है कि इसका घी भी पता जाएगा और भी जी। तो जी अभी आया हमारा जर्दा, डब्बा हमने खाली कर दिया बंदा, तो ये हम साया तो वो देखें अगर पकाने चलते हैं तो फिर उधर से आया ये। तो उन्हें पता मुझे जर्दा पसंद है, जब भी वो जर्दा बनाने के लिए जाते हैं मास्क करते हैं तो हमारे घर लास्ट में भेजते हैं, चीज़ भेजने पर ना हम भेजते हैं तो खुद भेज देते हैं। अगर हम उनके ये हमें खाने के लिए देते तो हम अगले वो कुछ भी ना दें, तो ऐसा तो नहीं होता ना, मिलजुल कर चलना पड़ता। फिर खाया आप? हाँ जी चम्मच दो लो ना। सो कर गया उठ, अल्लाह कर यहाँ पर तो मट्टी भी फेंक दी है, और कैशा गई है सो, और इसने अपने मामू से पैसे लेकर चिप्स भी खा ली हुई है। अब मुझे कह रहा मम्मा मुझे दूध दे दो फीडर, ठीक है, वहाँ पे पानी भी इसने फेंक दिया हुआ है। और जब कैशा उठेगी उठकर यहाँ पे मट्टी देखकर वो बड़ा रोएगी, क्यों रोएगी कि टाकी बेचारी ने उसने लगानी होती है, वो फिर रोती है, वो कहती मम्मा इसे कचरे का पता है, ये कचरा करता है। अनु यहाँ पे मट्टी क्यों डाली है लाकर, मुझे ये बताओ पहले।
एक बाली नहीं डाली आपने? कह रहा मैंने एक बाली भी मम्मा नहीं डाली मट्टी। कैट से उठ के आपको डांटेगी फिर मारेगी भी। हाँ कैसे मारेगी? अच्छा आपने कह रहे मेरे पास ये डंडे मैं इससे मारूंगा कैक्षा। और ये मट्टी अब देना कैक्षा उठेगी ना आपको मारेगी। फिर टाकी लगाऊं मैं यहाँ से ठीक है? क्योंकि उसने उठते ही बच्ची ने रोने लग जाना है। और हाँ जी कैक्षा ने रोने लग जाना है। ये तौलिया भी नीचे फेंका हुआ है और कैक्षा ने लाइटें बंद की हुई हैं बेचारी ने। और आराम से कार कर सो गई है कैक्षा मेरी। तो ये जी रिम जिम बारिश कचरे को इतना मजी ढेर लगा ले। जितना मजी साफ कर ले कचरे को यहाँ पे फिर भी ढेर लगा ही रहता है। मैं ये लगा हुआ शरारतों पे और कैसे लगी उन मोहम्मद के फीडर बनाने। अच्छा कौन आंटी? आंटी है अबीबा की मम्मा। अच्छा तो ये एक चेयर जो उनसे बची हुई है इसका बुरा हाल किया हुआ है। ये दुकान पे पड़ी हुई थी भाई कहते कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है। इसे सुबह धोती हूँ अच्छे से सरफ से तो मैंने कहा यहाँ भी सुकून नहीं है क्योंकि अभी इतने साल हो गए चेयर पे मैं खुद बैठते हुए इस पर ना डर लगता है। और कैक्षा फीडर बना दिया उन मोहम्मद का। पापा भी रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं। ये पहले ये तोड़ दिया हुआ है ये है ही ऐसा मेरे लड्डू। अच्छा कि क्या बेटे हो? बेटा किसके? अच्छा आप पापा का बेटे हो? भैया पापा आने वाले हैं तो पापा का बेटा ही है। अब मेरा बेटा नहीं है। मैं अच्छा कैक्षा किसका बेटा है? कैक्षा किसका बेटा है? बस मैं मम्मा का बेटा हूँ और पापा का बेटा हूँ। कैसा किसी का ही बेटा नहीं है। ओनो नहीं फिर रात को मैं पास क्यों लेते थे मोबाइल चला छोटे वाला अब मेरे साथ आकर बैठ गया हुआ ना। ये कूलर पोपोग बस बस है अनु बस। कैक्षा सो चुकी है और ये अनु मोहम्मद सोया हुआ है साथ मैंने सोना इसके। ये कैक्षा है और ये हमारी है मैडम। और रात इस वक्त भी जो है ना बादलों की पोजीशन बड़ी खराब है। बादल काफी वो आपको दूर से नजर आ रहे होंगे यहाँ पे बादल ही है। बादल हो रहे हैं जी जी। तो बस कोई परेशानी बन गई थी जिस वजह से जनसाना वीडियो में थोड़ी लेट हुई है और काफी को मसले मसाइल होते हैं घरेलू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके तो इस वजह से हमारी वीडियो काफी लेट हो गई आज। और दिल भी नहीं कर रहा था कि आज वीडियो अपलोड करे लेकिन मैंने कहा काफ़ी बहन भाई परेशान हो गए पता नहीं कितनी वीडियो आई तो मैंने कहा चले बता दो इन्हें। और इसके साथ अब हम एंड चाहेंगे अपनी वीडियो का कि जो मैं पाकिस्तान फिर वही पाकिस्तान आता है कि जो मैं मुकम्मल दुनिया से देख रहे हैं सारी दुनिया से हमें देख रहे हैं सबको हाथों से हमारे देखने वालों हमारे चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें अल्लाह हाफिज़। और ढेर सारा प्यार ढेर सारे दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी फिर एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह।